सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस ऑफिस सीरीज का एक कोर्स चल रहा है YouTube पर, और इसमें अब तक हमने काफी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाकर दी है। तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे करेंगे और आज सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मूलाज, मेन्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सेल खोलते कैसे हैं। तो विंडो की के साथ आर का बटन दबाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर टाइप करेंगे EXEL एक्सेल, और एक्सेल आपके लिए इस तरीके से स्क्रीन पर कुछ खुला हुआ आ जाएगा। ये एक्सेल का इंटरफेस है, ये सारे मेन्यू से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई पुरानी फाइल खोलनी है जिसमें आपने कुछ ऐसा बना रखा है जो आपको बताना है, तो आप वो फाइल भी डायरेक्टली यहाँ से ओपन करके खोल सकते हैं। फिलहाल मेरे को कोई भी फाइल नहीं खोलनी है, मैं यहीं पे आपको फॉर्मूलाज मेन्यू बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज मेन्यू में हम एक्चुअली कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बताए थे ये सारे, और आज हम थोड़ा सा इन फॉर्मूलाज में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे, ठीक है। हालांकि जो बड़े फॉर्मूलाज हैं वी लुकअप, एच लुकअप वगैरह, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, और थोड़े बहुत जो फॉर्मूले एडवांस एक्सेल में यूज होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम एडवांस एक्सेल करेंगे। फिलहाल जो कॉमन फॉर्मूलाज हैं, मोस्टली यूज फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आज, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है ये मीडियल लेवल के, यानी मीडियोकर लेवल के हैं, और जो बहुत ही हाई लेवल के, जैसे सम इफ वगैरह हो गया, मैच, इंडेक्स, कॉलम, ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ एडवांस एक्सेल में बात करेंगे इस बारे में। तो फिलहाल आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कॉमनली यूज फॉर्मूला है उनको हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, तो आपको आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं फॉर्मूला मेन्यू के लिए। सबसे पहले सिलेक्ट किया हमने और हम यहाँ गए होम मेन्यू में। हमने जैसे शीट्स में यहाँ पर हेडिंग बनाते थे, उस तरीके से हम हेडिंग बना लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताने वाले हैं, ताकि कोई भी जो इस शीट को देखे पढ़े उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पर फॉर्मूलाज मेन्यू में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे मर्ज करने का काम। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूलाज, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज सेलेक्ट कीजिए। साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं क्लिक करके, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से भी जाके यहाँ से भी साइज ले सकते हैं जो साइज आपको ठीक लग रहा है। फिलहाल 36 इज क्वाइट गुड, ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा बोल्ड, ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं और ले लेते हैं कैम्पिया। साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा दिख रहा था, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला करके हमने हेडिंग दे दी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर तो ब्लैक ही रहने दीजिए, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इस तरीके का कलर ले लीजिए। और अब यहाँ पर एक एक करके हम फॉर्मूलाज मेन्यू में जाकर फॉर्मूलाज की कैटेगरी के आधार पर हम फॉर्मूलाज करने वाले हैं। अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, यानी आपको फॉर्मूला बेसिकली टाइप करके लेना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके और कैटेगरी वाइज भी दे रखा है यहाँ पर, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे फॉर्मूला को टाइप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि सम का फॉर्मूला, तो मैंने क्लिक किया और टाइप किया सम, ठीक है, और जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो सम का फॉर्मूला पूरे ड्रॉपडाउन लिस्ट में से मुझे ढूंढ के दे देगा। ये रहा, गो ओके करते ही आपके सामने फॉर्मूला खुल के आ जाएगा। दो नंबर, तीन नंबर, जितने को भी सम करना आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। जब भी आप नंबर डालते जाएंगे, आप या तो यहाँ से कोई पर्टिकुलर रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप सीधे नंबर डालिए और नंबर डालने के साथ ही यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएंगे। जैसे 78 डाला, 84 डाला, जब आप देख रहे हैं आप जैसे ही अगले पे क्लिक करें, एक बेसिकली एक सेल का लिए एक पर्टिकुलर फील्ड और आपके लिए बना दे रहा है। तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पर जितने भी नंबर आप डालोगे उसमें से एक एक्स्ट्रा सेल हमेशा आपके लिए बना के देगा। तो आपको करना कुछ नहीं, अगर इन तीन नंबर को ऐड करना है तो ओके कर दीजिए, यहीं से इनको ये ऐड कर देगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दिखा भी रहा है। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें बेसिकली कैसे करना है, कैटेगरी वाइज हम लेके चलेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले ऑटो सम वाली कैटेगरी में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सारे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी करा रखे हैं सम, आप मैंने आपको मार्कशीट बताई थी, साथ साथ मैं मार्कशीट भी खोल लेता हूँ आपके लिए, ओपन करते हैं और यहाँ से हम मार्कशीट जो ऑल एक्सेल शीट्स में थी वो खोल लेते हैं, ठीक है। रिसेंट फाइल्स में भी मिल सकती है, या फिर आप यहाँ से जाके लोकल डिस्क डी में जाके, मैंने यहाँ पर यूट्यूब के अंदर रख रखा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फाइल्स होंगे वाले, देखते हैं किस जगह पर है, और नहीं तो आप एक तरीके से और ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑल एक्सेल शीट्स का लिंक, मतलब रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिए और वो फाइल खुल जाएगी। अब ऑल एक्सेल शीट इसका नाम है, और ये ऑल एक्सेल शीट नाम क्यों, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे सारी शीटें बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो मैंने आपको जब यहाँ पे मार्कशीट बताई थी दोस्तों, तो आप देख पा रहे उसमें सारे फॉर्मूले, टोटल, एवरेज, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप यहाँ से जाइए, दूसरी शीट पे आइए, बुक वन पे, और यहाँ पर जो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज में आप देखिए, इस कैटेगरी में हमने सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। काउंट नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, वो मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे डाल लीजिए काउंट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट नंबर में हमें करना क्या है, पता लगाना है कि काउंट नंबर करता क्या है। तो जैसे आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे काउंट, ठीक है, आपके सामने आप देख पा रहे हैं ये एक मैसेज सा आ रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन द नंबर। ये उन सेल्स के रेंज को काउंट करता है
यानी उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी नंबर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, मैसेज का मतलब ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में इसका मतलब। टैब का बटन दबाइएगा कीबोर्ड से और जितने भी नंबर में आपको सेलेक्ट करनी हो रेंज, वो रेंज आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं बेसिकली ये कुछ रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 5x5 यानी 10 रेंज है बेसिकली। और ये 10 रेंज के अंदर फिलहाल, यानी 10 सेल्स के अंदर ब्रैकेट क्लोज करके देखिए एक भी नंबर नहीं है, लेकिन जैसे हम नंबर डालेंगे इसके अंदर देखिए 12, यानी हमने एक नंबर डाला कोई भी तो एक वैल्यू आ गई। हमने डाला इसमें 5, दो वैल्यू हो गई न्यूमेरिकल तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद हमने कुछ और नंबर डाला, 3 वैल्यू हो गई तो यहाँ पे 3 शो कर रहा है। तो यानी बेसिकली जितने भी आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ उस सिलेक्टेड रेंज में आपने जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेलेक्ट किया होगा या सिलेक्टेड रेंज में जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसके आधार पे ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर सेल के रेंज में कितने वैल्यूज थी, यानी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है बेसिकली, काउंट नंबर। ठीक है, इसके बाद ऑटो सम कैटेगरी आप देख रहे हो, और कुछ बताने लायक है नहीं। काउंट नंबर से एवरेज सम मैक्सिमम मिनिमम ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ से जितने भी ऑप्शन है ये मैंने आपको यहाँ से मार्कशीट में से बता रखा है। मार्कशीट खोलते हैं और एक्सेल शीट में जाके ये देखिए आप ऑटो सम कैटेगरी में जो सम ये रहा आपके सामने टोटल। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए सम का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, एवरेज आप देख ही सकते हैं यहाँ से, एवरेज भी मैंने बता दिया आपको, एवरेज परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम। तो आप देखिए एक्सेल की शीट्स वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने मार्कशीट बताई है, पार्ट वन है ये एक्सेल शीट्स का पार्ट वन, इस वीडियो को जाके देखिए दोस्तों, और इसमें ऑलरेडी आपको ये जितने भी फॉर्मूले हैं कवर किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं रिसेंटली यूज फॉर्मूलाज में। रिसेंटली यूज में सम तो आपको मैंने बताई रखा है, वीलू का वैक्सलू का पूरी वीडियो बनाई, एवरेज आपको पता है, इफ कंडीशन भी मैंने आपको यहाँ पे ग्रेडिंग जब बताई थी ध्यानो मार्केट में ग्रेडिंग रिजल्ट वगैरह बताया था मैंने, इफ कंडीशन बताई थी और भी काफी सारी शीटों में, जैसे बजट शीट मैंने बताई थी उसमें भी इफ कंडीशन बताई हुई थी। ठीक है, तो आपने जब एलिजिबिलिटी कंडीशन निकाली थी तो ये भी इफ कंडीशन के ऊपर थी। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, काउंट मैंने आपको अभी बताई दिया, मैक्सिमम वगैरह आपको पता ही है। ठीक है, और ये कुछ साइन वगैरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं जिनका ज्यादा यूज नहीं होता है, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री में आऊंगा तब इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल फॉर्मूले हमें फिलहाल यानी करने, हम एक्सेल के एडवांस वर्जन में करेंगे इसके बारे में, यानी एडवांस एक्सेल में मैं आपको इनमें से ज्यादातर फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता भी सकते हैं कि आप लोग इसको करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, ताकि मैं और बेटर से अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर बना सकूं वीडियोस आपके लिए। फिलहाल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज में आपको बताने वाला हूँ ज्यादातर फॉर्मूलाज, इसमें से हम आज कवर करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, और डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज में आपके लिए कवर करूंगा काफी कुछ। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप एक्सेल को वगैरह मैंने आपको बताया रखा, बाकी जो बच्चे कुछ फॉर्मूले हम एडवांस एक्सेल में कवर करेंगे। और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में ज्यादा फॉर्मूले यूज हमें नहीं करना है, कुछ कुछ यूज करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये जो लेवल है एक्सेल का फिलहाल हम मिडिल लेवल पे कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कोर्स शुरू हुआ था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक्सेल को बहुत एडवांस लेवल में नहीं करेंगे फिलहाल, यहाँ पे मैं इस लेवल पे लेके चलूंगा कि हर कोई इसको समझ पाए, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, बहुत ज्यादा लो लेवल नहीं होगा, मिडिल लेवल पे यानी मीडियोकल लेवल पे हम लेकर चलेंगे। और बाकी इसके लिए अगर आपको एक्सेल बहुत डिटेल में सीखना है तो इसके बाद में एक कोर्स लेके आऊंगा जिसमें ये वीडियो तो होंगी, साथ में इससे एडवांस लेवल की वीडियो दूंगी जिसमें आपको मैं एडवांस एक्सेल के लेवल के फॉर्मूलाज और मेन्यूज के सारे ऑप्शन वगैरह, मेन्यूज तो मैंने इसमें भी काफी अच्छी तरीके से कवर अप किया है, बट जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने कुछ हद तक यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो वो मैं आपको एडवांस एक्सेल में अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। बस वीडियो आप पूरा देखते रहिए, आपको एडवांस एक्सेल सीखने के लिए ये वीडियो पहले से आती होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको पहले से आते होने चाहिए, तो आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और कंप्लीट पूरी पूरी तरीके से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज मिले। ये इकलौता ऐसा चैनल है दोस्तों जहां पर हम पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं और एक एक चीज आपको डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे गिने चुने चैनल होंगे, मैं ये नहीं कहता मेरा इकलौता चैनल है, बट ऐसे गिने चुने चैनल होंगे यूट्यूब पे जिन पे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स पर डायरेक्टली सीधे वीडियो अपलोड करते ही मिलते रहे और आप आगे और अधिक सीख पाए। तो आशा करता हूँ अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम करेंगे आज थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉजिकल तक आपको बता दिया था, लॉजिकल में हमने ये सारे ऑप्शंस में से कुछ कुछ ऑप्शंस करने हैं और कुछ हमने कर लिए हैं, तो ये मैं आपको एडवांस एक्सेल में जो बच्चे कुछ ऑप्शन है वो तब कराऊंगा। टेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ से जो बेसिकली ऑप्शन है, मैं पहले इन फॉर्मूला को एक एक करके दोस्तों लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको ये सारे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसके बाद देन हम इनको ऑलरेडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीधे उसी वाली शीट पे जो कि बुक वन की शीट है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मूला को कराना आपको बताता हूँ। पहले बैड टेक्स्ट है, केयर, क्लीन, कोड, कॉन्केटेड, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो जरा एक एक करके पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बैड टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद
बैड टेक्स्ट के बाद आपका अगला फॉर्मूला है कैर, ठीक है, क्लीन और पोर्ट। तो चलिए टाइप कर लेते हैं कैर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये फॉर्मूला की लिस्ट पहले लिख देता हूं मैं, कैर कोड क्लीन, ठीक है। कैर कोड क्लीन करने के बाद दोस्तों कॉनकैटेनेट है और एग्जैक्ट है, ये देखिए कॉनकैटेनेट है, ठीक है, एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट के बाद बात करते हैं फाइंड फिक्स्ड लेफ्ट लेंथ लोअर, फाइंड पहले इतने फॉर्मूलास कर लेते हैं दोस्तों। बैक टेक्स्ट देखिए क्या करता है, इक्वल टू बैक टेक्स्ट, ठीक है। इसके सामने मैसेज भी दे रहा है आपको कि कन्वर्ट ए नंबर टू ए टेक्स्ट, ठीक है, किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। आप कोई भी नंबर रैंडमली लीजिए, मैंने 25 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है, और ये आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए आप कुछ भी यहाँ पर रैंडमली टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आपके सामने कोई भी बेसिकली टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। कैर की अगर हम बात करें तो इक्वल टू कैर, ठीक है, कैरेक्टर में कोई नंबर डालिए, जैसे आपने डाला 97, तो 97 की जो कीबोर्ड से हम 97 जो प्रेस करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू क्या समझता है वो हमें बता देगा। यानी 97 बाइनरी वैल्यू होती है किसकी, ASCII कोड में ए की, यानी स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है। कीबोर्ड में जब आप ए प्रेस करते हो तो कीबोर्ड उसको 97 समझता है और देन उसको फिर कंप्यूटर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके बताता है, ठीक है। बाइनरी कोड जिनको नहीं पता, बाइनरी लैंग्वेज नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर जो है बेसिकली दोस्तों वो केवल 01 की लैंग्वेज को समझता है, यानी कंप्यूटर जो भी चीज ऑपरेट करता है वो सिर्फ दो डिजिट पे 01 पे ऑपरेट करता है, और इसी को 01 को बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, बाइनरी कोड बोला जाता है, क्योंकि बाई का मतलब होता है टू, तो बाई मीन 0 और 1 जो टू डिजिट्स हैं इनको बाइनरी कोड बोला जाता है। और जब आप कोई भी नंबर या कोई भी अक्षर प्रेस करते हो तो उसको वो पहले नंबर में कन्वर्ट करता है और देन फिर उसको वो 0101 के फॉर्म में ले लेता है, तो इसी को हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली करता है, जैसे आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो स्मॉल ए, तो इसको ये 97, आप देख पा रहे 97 इसकी वैल्यू होती है, यानी कंप्यूटर को बाइनरी कोड में ASCII कोड में 97 समझता है और देन फिर इसको 01 में कन्वर्ट करके तब इसको समझता है। तो ये कैरेक्टर जो है बेसिकली यही बताता है कि कैरेक्टर की वैल्यू कितनी है बाइनरी कोड में, 97 है फिलहाल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम स्मॉल ए की लेना चाहें, स्मॉल ए की 97 है, तो अगर हम कैपिटल ए की लेना चाहें तो मुझे पता है कि 65 होती है, तो आप देखिए 65 में डालूंगा और यहाँ पर देखिए कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आप ये भी समझ पाएंगे। कोड की अगर बात करें इज इक्वल टू कोड, ठीक है, कोड क्या करेगा टेक्स्ट, इसी तरीके से टेक्स्ट की वैल्यू देगा, टेक्स्ट हमेशा डबल कोड्स में लिखना है आपको, मैंने स्मॉल ए लिखा, ठीक है, स्मॉल ए को डबल कोट में लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए 97। जैसे यहाँ पर ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये इसमें हम कैरेक्टर डालते हैं तो नंबर डालते हैं तो कैरेक्टर निकाल के देता है कि कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, और इसमें हम कैरेक्टर डालते हैं, देखिए आप यहाँ पे ए डाला मैंने तो यहाँ पे 97 निकाल के दिया, सेम ही चीज है, बट ये वाला कैरेक्टर का रिवर्स कोड है, कोड का उल्टा कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लीन की, क्लीन क्या करता है दोस्तों, इज इक्वल टू किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको समझना तो जब आप इसको टाइप करें तो यहाँ पे पढ़ लिया कीजिए, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई आप स्पेस देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जांपल सचलक्ष, ठीक है, और सचलक्ष के बाद मैंने काफी स्पेस दिया और तब जाके मैंने डबल कोट प्रिंट किया और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया, तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर में आपका स्पेस होता है, तो देखिए इसने क्या किया कि जैसे सचलक्ष लिख दिया और वो जो स्पेस था उसको इसने हटा दिया है, ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। या अगर आप इसके बीच में अगर गैप भी देते हैं थोड़ा सा तो आई होप उसमें भी काम करेगा ये, ठीक है, इस तरीके से, तो देखिए खैर स्पेस को ही ले रहा है बट आप समझ जाइए कि ये जो इधर का स्पेस है ये नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कॉनकैटेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल टू कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट ये क्या करता है, दो टेक्स्ट को ऐड कर देता है, जैसे आपने लिखा कॉम्प, ठीक है, डबल कोट में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कॉमा लगाया और दूसरा अक्षर आपने लिखा यूटर, ठीक है, तो ये इसको ऐड करके क्या कर देगा कॉम्प्यूटर, ठीक है। आप देखिए हम जब इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि कॉम्प और यूटर दो अलग अलग अक्षर हैं, दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको इन्होंने ऐड करके कॉन्केटेनेट करके एक कंबाइंड वर्ड बनाया है कंप्यूटर, ठीक है। एग्जैक्ट क्या करता है वो भी देख लीजिए, इज इक्वल टू ई एक्स ए सी टी, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू आप देख पा रहे हैं लिखने के लिए बोल रहे हैं, जैसे आप इन दोनों टेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को ध्यान रखिएगा इसमें लिखिएगा आप सच, ठीक है, और कॉमा लगा के हमने दिया सचिन, ठीक है, जब आप इन दोनों टेक्स्ट को एग्जैक्ट मैच कराएंगे तो अगर ट्रू होगा तो वन देगा नहीं तो फॉल्स देगा, ठीक है, ये देखिए आपके सामने फॉल्स इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है एग्जैक्ट मैच नहीं करता सेकंड वाले टेक्स्ट से, लेकिन अगर यहीं पे आप ये कर दें कि सचिन को
इस तरीके से दोनों सच ही नहीं लिखे, तो देखिए एग्जैक्ट मैच कर रहे थे, ट्रू दे रहे हैं, तो जब मैच करेगा तो ट्रू देगा, जब मैच नहीं करेगा तो फॉल्स देगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला भी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं फॉर्मूला में हम, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है, कोशिश करूंगा आपको और अच्छी तरीके से समझाने की। तो एग्जैक्ट के बाद हमारा फाइंड है, फिक्स्ड है, सारे फॉर्मूलाज नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप जरा सा देखिएगा फाइंड में भी, कोशिश करते हैं देखते हैं क्या है। फाइंड टेक्स्ट, तो ठीक है फाइंड भी हम कर लेते हैं। फाइंड को मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड, जैसे फिक्स नंबर, डेसिमल नंबर, नो कॉमास, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये मैं बताने वाला हूँ आपके लिए, लोअर मिडिल प्रॉपर, ठीक है, सर्च सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ट्रिपल, ये सारी चीजें। तो पहले काम करते हैं लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिक्स कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं, फाइंड पहले कर लेते हैं सबसे पहले। तो इज इक्वल टू फाइंड लिखा आपने, ठीक है, फाइंड लिखने के बाद इज इक्वल टू फाइंड, फाइंड क्या करेगा दोस्तों, आपने कोई टेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश की, ठीक है, जैसे आपने लिखा, आपने टेक्स्ट को फाइंड करने की कोशिश की सच, ठीक है, आपने टाइप किया सच, फाइंड करना है आपको, किसमें से फाइंड करना है, लिखा आ रहा है आपके सामने विद इन द टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट, अगर आप ध्यान देख पा रहे हो कॉमा लगाते ही बोला विद इन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, फाइंड करना है टेक्स्ट, लेकिन विद इन द टेक्स्ट किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, तो हम जिस टेक्स्ट में फाइंड करना है हमने कहा सच लक्ष्य में आप सच को ढूंढो, ठीक है, डबल कोट लगाना मस्ट है, और कहां से स्टार्ट करना है कॉमा लगा के वो बताइए, मैंने कहा पहले कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर पहला ही हो, एंटर, तो बोल रहे हैं कि पहले कैरेक्टर से अगर आप ढूंढते हो तो पहले कैरेक्टर पे ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूँ, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने फाइंड करने के लिए बोला आप फाइंड करो इन, ठीक है, और आप किसके अंदर इन ढूंढोगे, आप ढूंढोगे सच इन के अंदर से, यानी इनको ढूंढना है लेकिन किसके अंदर ढूंढना है, सचिन के अंदर ढूंढना है, और कहां से स्टार्ट करना है, पहले कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ये देखो, तो बोले पांचवी पोजीशन पे मिला है, क्योंकि देखिए ना एस एस सी एच आई जो फिफ्थ कैरेक्टर है सचिन के अंदर, तो पांचवे पोजीशन पे ये कैरेक्टर हमें मिला है जो इन है, जो इन जो हमें मिला है ढूंढने पे वो पांचवे कैरेक्टर से मिलना स्टार्ट हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद फाइंड के बाद आपका है लोअर अपर प्रॉपर, ये सब थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे आप देखिए लोअर, ठीक है, अपर, ठीक है, प्रॉपर और लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट के बाद हम करेंगे राइट, ठीक है, और मिड, ठीक है, लेंथ कर लेते हैं थोड़ा लेंथ के लिए, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियोस नहीं तो फिर काफी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों लोअर की, ठीक है, लोअर क्या करेगा आपके लिए, इज इक्वल टू आप दबाइए लोअर, ठीक है, लोअर के बाद टैब का बटन, टेक्स्ट लिखिए कोई भी, कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, ठीक है, मैंने जैसे लिखा कैपिटल लेटर में सच लक्ष्य, ठीक है, सच लक्ष्य लिखा मैंने, डबल कोट के साथ बंद किया, तो देखिए हमने टाइप किया है कैपिटल में यानी अपर केस में, लेकिन इसको कर देगा ये लोअर केस में, एंटर, ये देखिए सच लक्ष्य को स्मॉल केस में कर दिया, और सेम इसका अपोजिट है अपर, अपर क्या करेगा, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट किया लोअर केस में, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया सच लक्ष्य को लोअर केस में, डबल कोट और बंद, और देखिए सच लक्ष्य को इसने कर दिया कैपिटल में, तो अपर जो है वो अपर केस में कर देता है यानी कैपिटल लेटर में, लोअर जो है वो लोअर केस में कर देता है, ठीक है। लेफ्ट प्रॉपर देखिए क्या करता है, प्रॉपर करता है आपने जैसे फिर से किया प्रॉपर, ठीक है, तो प्रॉपर क्या करेगा, जो भी आपने टाइप किया दोस्तों उसको वो प्रॉपर केस में कर देगा। प्रॉपर केस होता क्या पहले आप वो समझ लीजिए, प्रॉपर केस का मतलब पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, तो पहला लेटर आपका कैपिटल है, सच लक्ष्य में एस कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट की दोस्तों, एल ई एफ टी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्या करता है आपका कोई भी नंबर, मान लीजिए आपने कंप्यूटर टाइप किया या आपने सच लक्ष्य टाइप किया, ठीक है, सच लक्ष्य टाइप करने के बाद आपने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद आपने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट से कितने सर्च करने या प्रिंट करने, चार, ब्रैकेट क्लोज किया, चार कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। देखिए सच लक्ष्य में हमने क्या बोला, चार कैरेक्टर लेफ्ट साइड से प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दिया उसने चार कैरेक्टर एस एस सी एच सच, ठीक है। फिर हमने राइट से इसी तरीके से लिया, तो राइट साइड से प्रिंट आउट करेगा, हमने बोला कि सच लक्ष्य में ही आप या सचिन में आप चार कैरेक्टर या दो कैरेक्टर राइट साइड से प्रिंट कर दो, ठीक है, तो दो कैरेक्टर आपने राइट साइड से प्रिंट किया, ये देखिए इन आ गया, ठीक है, आपने ये बात नोट की होगी कि राइट से हमने बोला ना प्रिंट करने के लिए, तो राइट से प्रिंट करने का मतलब कि सचिन में राइट साइड से दो कैरेक्टर ले लिया, तो राइट साइड से एन आ गया और आई आ गया, यानी सचिन में इन आ गया। फिर मिड की इसी तरीके से बात करता है, तो इक्वल टू मिड, ठीक है, मिड में बोला सबसे पहले टेक्स्ट लिखो, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मिड में टेक्स्ट लिखो सबसे पहले, स्टार्टिंग नंबर और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमने बोला टेक्स्ट में क्या लिखना है, मिड, मिड में मतलब टेक्स्ट लिखना है, कौन सा टेक्स्ट लिखना है, हमने कहा सचिन, ठीक है, ये टेक्स्ट है, या फिर हमने कहा सच लक्ष्य, ये टेक्स्ट है, ठीक है, सच लक्ष्य लिखने के बाद बोला है कहां से स्टार्ट करूं मैं, ठीक है, मैंने बोला
चौथे या पांचवे कैरेक्टर से स्टार्ट करो, यानी स्टार्टिंग नंबर कहां से होगा, पांचवे से होगा, ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप। फिर कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रिंट करने हैं, मैंने कहा तीन कैरेक्टर प्रिंट करने, यानी पांचवे कैरेक्टर से शुरू करो और तीन कैरेक्टर प्रिंट करो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए लक्ष्य को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, लक्ष्य आइए बस समझ में। तो सचलक्ष्य में पांचवे कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, यानी एल से स्टार्ट करना, और तीन कैरेक्टर में एल ए एक्स प्रिंट करना है, तो मिडनेस को प्रिंट कर दिया। फिर हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ बताते हैं आपके लिए। जैसे आप लेंथ प्रिंट करोगे तो बता भी रहा है, देखिए कोई भी फॉर्मूला आप लिखते ना दोस्तों, ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पढ़ लिया कीजिए, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में, टेक्स्ट के मतलब वर्ड में, टेक्स्ट से लिखा हुआ जो वर्ड होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, उसमें रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, लेंथ बताएगा बेसिकली उसकी, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है, जो हम लिख रहे हैं उनमें लेटर्स कितने यूज किए गए। तो हमने सच लक्ष्य की बात अगर की, डबल कोट में हमने टाइप किया सच लक्ष्य, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो कितने कैरेक्टर बताने चाहिए दोस्तों, सेवन, है ना, क्योंकि सच लक्ष्य सेवन कैरेक्टर्स हैं, एंटर ये देखिए सेवन बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। देखिए लेन हमने कवर कर लिया, लेफ्ट कर लिया हमने, ठीक है, मिड भी हमने कर लिया, प्रॉपर कर लिया हमने, इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया अभी, बट हमने अपर वगैरह कर लिया जो कि इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको वो सब भी थोड़ा सा बता देता हूँ, और प्रॉपर अपर लोअर लेफ्ट मिड जो भी मैं बता सकता था मैंने काफी कुछ बताया, इससे एक्स्ट्रा भी बताया, आपने देखा होगा इसमें राइट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अपर नहीं है, तो ये सब चीजें भी मैंने इसमें बताई है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर तो था इसमें, लोअर भी था इसमें, लेंथ भी था, लेफ्ट भी था, ये सारी चीजें मैंने जो है वो तो बताई है, एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश की है, तो उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। और इसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा करेंगे हम, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट के अलावा कोशिश करूंगा आपको रेप्ट बताने की, ठीक है, रिपीट करेगा टेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ टाइम्स आ भी रहा है, तो रिपीट कर लेते हैं और हम एक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट, और सर्च भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, ठीक है। हाँ तो ये तीन कर लेते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रिप्ट, फिर सर्च, और फिर ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया रेप्ट, रेप्ट कर लिया हमने, ठीक है, फिर हमने कर लिया सर्च, ठीक है, सर्च एस सी ए आर टी एच सर्च कर लिया हमने, ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ से रेप्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से सर्च ले लिया, अब हम थोड़ा सब्स्टिट्यूट भी कोशिश करते हैं लेने की, ठीक है, और बस इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बाकी हम अगले डेट एंड टाइम के मेन्यूज वगैरह पे भी जा सकते हैं, फॉर्मुलाज वगैरह पे भी, ठीक है, या फिर देखेंगे अगली वीडियो में, अभी देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ। और रेप्ट में सबसे पहले बात करते हैं, लेंथ तक तो हो गया था, रेप्ट की बात करते हैं, इज इक्वल टू रेप्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम, तो रेप्ट क्या करता है बेसिकली रिपीट करता है एक टेक्स्ट को गिवन नंबर ऑफ टाइम, तो रिपीटेशन करता है, हमने टेक्स्ट लिखा, हमने बोला सच को रिपीट करो, कितनी बार रिपीट करना है हमने बोला, हमने बोला इसको तुम रिपीट करो तीन बार, या इसको रिपीट करो, या सचलक्ष्य हमने लिखा, हमने लिखा सचलक्ष्य को रिपीट करो दो बारी, ठीक है, कॉमा जरूर लगाना दोस्तों, कॉमा लगाना मस्ट है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए सचलक्ष्य को इसने दो बार रिपीट कर दिया, सचलक्ष्य सचलक्ष्य, ठीक है। फिर इसी तरीके से सर्च इज इक्वल टू एस टी ए आर सर्च, ठीक है, सर्च आपका क्या करता है, फाइंड टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, ठीक है, अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो देखो लिखा भी आ रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट एट विच स्पेसिफिक कैरेक्टर और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड रीडिंग लेफ्ट टू द राइट, यानी राइट से, इसको हिंदी में अगर मैं मतलब समझा तो कह रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरीके से पढ़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन से टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड के अंदर ढूंढेगा और रिटर्न करेगा उसके आधार पर सर्च करके नंबर को, मतलब किसी अक्षर को। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, मान लीजिए मुझे फाइंड करना सच, ठीक है, किस में फाइंड करना, विद इन द टेक्स्ट लिखा आ रहा है, अगर आप ध्यान दें विद इन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है, फाइंड टेक्स्ट ढूंढो किसके अंदर, विद इन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है, मैंने बोला इसको ढूंढना है भाई सचलक्ष्य के अंदर, ठीक है, सचलक्ष्य में सच को ढूंढो, और कहां से, कॉमा लगा के स्टार्ट, मैंने कहा पहली पोजीशन से स्टार्ट कर दो ढूंढना, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो बोला पहले ही कैरेक्टर से मिल गया, मतलब पहली ही पोजीशन पे मिल गया मेरे को, ठीक है, सर्च किया मैंने किसको, सच को, और कहां में, सचलक्ष्य के अंदर, किस पोजीशन से स्टार्ट किया मैंने, पहले ही अक्षर से मैंने ढूंढना स्टार्ट करवाया और मुझे पहली पोजीशन पे मिल गया। और अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊं तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और, हमने बोला इस बार लक्ष्य ढूंढो आप, ठीक है, आपको लक्ष्य ढूंढना है और किसके अंदर ढूंढना है, सचलक्ष्य के अंदर, कौन सी पोजीशन से, पहली पोजीशन पे, चलो तो बोला पांचवी पोजीशन पे मिला मुझे वो, जो लक्ष्य मुझे मिला है वो पांचवी पोजीशन, देखिए ना
एल का जो लोकेशन है वो पांचवी पोजिशन है। तो आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि सर्च जो है वो ढूंढता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद मैं थोड़ा सा बात करता हूँ टेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी इसके बाद हम थोड़ा सा अब चलेंगे अगले कैटेगरी पे। तो सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे सब्स्टिट्यूट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर कोई दिक्कत हो या कोई वीडियो में प्रॉब्लम आए या वीडियो में आपको सुझाव देना चाहते हैं कि इनमें ये चीजों की बदलने की जरूरत है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं आपके मुताबिक वीडियो को बना सकूं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और करते हैं सब्स्टिट्यूट को, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। टेक्स्ट को लिख लेते हैं, हमने लिखा टेक्स्ट तो बोला सब्स्टिट्यूट, मतलब सब देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक की जगह दूसरा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने की जगह लेना, तो इसमें साफ लिखा आ रहा है कि टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट किया है कोई, सचलक्ष आपने लिखा है, ठीक है। आपके सामने अगर आप फॉर्मूला पे क्लिक करो तो दिखा भी रहे, पहले टेक्स्ट लिखिए जिस टेक्स्ट के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है पुराने टेक्स्ट को, तो पुराना टेक्स्ट आपका मान लीजिए सचिन था, सचिन की जगह पर हमें सचलक्ष लिखना है जो हमारा नया टेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं। तो सचिन आपका ओल्ड टेक्स्ट था ये वाला, नया टेक्स्ट आपका सचलक्ष है और बोला न्यू टेक्स्ट जो आपको है वो चेंज किस नंबर पोजीशन से करना है, मैंने कहा पहले पोजीशन से चेंज करना है, तो सचिन की जगह उसने सचलक्ष चेंज कर लिया, एंटर करती है देखिए इस तरीके से। और अगला है आपका ट्रिम, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके ठीक सामने मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो ट्रिम आपका बेसिकली, ट्रिम का मतलब होता है काटना, किसी चीज को ट्रिम करना या क्रॉप करना, खत्म करना। तो बेसिकली करता क्या फॉर्मूला, ये अगर आप मैसेज देख के पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं बता भी रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला बेसिकली जो स्पेसेस होते हैं कोई भी दो वर्ड्स के बीच, स्ट्रिंग के बीच में, उनमें से सिर्फ सिंगल स्पेस छोड़ता है बाकी सबको हटा देता है। देखिए हमने सचलक्ष के बीच में ही कितना सारा स्पेस दे रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको एंटर मारूं तो सचलक्ष में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस आ रहा है बीच में। तो ये था आपका ट्रिम, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और प्लीज चैनल की वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है या सुझाव है तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।